रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को लिधोरा टीआई संतोष चौरसिया ने जब्त किया है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में एडिशनल एसपी टीकमगढ़ सीताराम सत्या के मार्गदर्शन में और लिधोरा टीआई के नेतृत्व में अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सतगुआ नदी से लेकर लाल रंग का मैसी ट्रैक्टर ट्राली रेत का अवैध परिवहन करके लिधोरा तरफ आ रहा है, जिसमें रेत का अवैध परिवहन करके ट्रैक्टर ट्राली आ रहा था। बिना नंबर का ट्रैक्टर ट्राली है जिसमें अवैध रेत भरी हुई थी, जिसमें रेत चोरी की घटना के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो रेत का अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर पकड़ा है, क्या कहना चाहते हैं, कहां से ट्रैक्टर पकड़ा? ये सतगुआ नदी से रेत का परिवहन करते पाया गया था। लाल रंग का ट्रैक्टर है, करीब शाम 4:30 बजे पहुँच गया था और जिसका चालक था वो रेत का परिवहन करते जैसे रोका तो रोका नहीं और अंदर गांव में ले गया और एक बाड़ी पर खड़ा कर दिया। इसमें नंबर है और मैंने जरूर पता चला किसका है, जल्दी इसका पता करके और कार्रवाई की। सर, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? सर, रेत चोरी के संबंध में 379 धारा है। सर, क्या चेकिंग के दौरान कार्रवाई की? मुखबिर की सूचना मिली थी और इस समय अभियान चल रहा है अवैध रेत उत्खनन के तहत, अपन ने ये कार्रवाई की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।